वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 7, एसी एंड बीडी आर कोर्स ऑफ ए सर्किल विच बाई सेक्स इच अदर। हमने एक कंस्ट्रक्शन यहां करना है जिसके अंदर एसी और बीडी ये कोर्ड्स हैं एक सर्किल के। ये सर्किल है ना, ए बी सी डी सर्किल है, इसके में ये दो कोर्ड्स हैं, एक एसी और बीडी। आपको करना है कि एसी और बीडी है इस सर्किल के डायमीटर है, दिख तो रहे लेकिन आपको सिद्ध करना है पेपर पे कि किस प्रकार से डायमीटर है। और दूसरा करेक्ट क्या है, दूसरा आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है, यानी एक आयत। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता है कि ए सी और बी डी जो है ये बाइसेक्ट को करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं बीच में, तो इसको हम दे देंगे ओ, ये जगह ठीक है, एक दूसरे को ओ दे दिए। अब आप लीजिए एक ये ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले लीजिए आप, ए ओ बी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी, और इधर क्या है, एक ट्राइंगल है आपका डी ओ सी। ये दो ट्राइंगल है, इसको आप पहले हल कीजिए। इसमें देखिए ये सर्किल का मिड पॉइंट है, तो ये इसके कोर्ड हुए ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ सी, चारों बराबर है क्योंकि ये चारों जो है इसके रेडियस है त्रिज्या। इस सर्किल में ए ओ और बी ओ बराबर है, ओके, ए ओ बी ओ बराबर है। और इस सर्किल में कौन सा, डीओसी सर्किल में ओडी और ओसी बराबर है, ओके। अब देखिए ये जो ट्राइंगल्स हैं इनमें ये जो एंगल है कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये जो है डीओसी के बराबर है। क्यों, ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे के ओपोजिट है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है। इस दोनों ट्राइंगल में ये दोनों वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल्स, यानी ये जो ट्राइंगल्स बराबर हो गए और दो भुजाएं बराबर हो गई इसकी, ठीक है, एंगल और ये जो है आपकी साइड, ठीक है। सो ओडी एंड ओसी बराबर है होगी, ओडी एंड ओसी बराबर होगी, और एओ और बीसी बराबर होगी, इसके दोनों साइडें बराबर होगी, ठीक है, यानी ये साइड इसकी ये साइड और इसकी ये साइड और इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, ठीक है, ये दोनों बराबर है और दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ए एस ए एस, टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल, सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है, ए ओ बी एंड डी ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम है। इसी प्रकार से ये जो दोनों ट्राइंगल है ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये भी सर्वांग सम है, क्यों कि इन दोनों में ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं समान है, ये भुजा भी समान है और ये ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये समान है, यानी एस ए एस कंग्रुएंस के अनुसार ये वाला आप उसको बोल दीजिए ट्राइंगल नंबर वन, इसको बोल दीजिए ट्राइंगल नंबर टू, इसको ट्राइंगल नंबर थ्री, इसको ट्राइंगल नंबर फोर, यानी एक जो है ट्राइंगल एक जो है वो दो के कॉन्ग्रुएंट है और तीन है वो चार के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अब क्योंकि सीपीसीटी रूल के अनुसार कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो देखिए ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, बी सी, ठीक है, तो ए डी जो हो गया ये बी सी के बराबर हो गया, ठीक है, और ए बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, डीसी, मतलब इस ट्राइंगल में जो पार्ट ये है वही इसमें है सर्वांग सम, और इस पार्ट में जो ए बी ए डी है वो बी सी है, तो ए डी और बी सी बराबर हो गया और ए डी डी सी बराबर हो गया, यानी इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो अब क्या हो गया, ये आमने सामने की बुझाए ए डी और बी सी समान हो गई और ए बी और डी सी समान हो गए, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एबीसीडी है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये एक समचतुर्भुज है, ये तो आपको क्लियर हो गया।
अब देखिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो समान होते हैं, यानी डी के बराबर बी है, ए के बराबर सी है, क्लियर। यानी कोण ए इज इक्वल टू कोण सी और कोण डी इज इक्वल टू कोण बी, इसके बराबर ये, इसके बराबर है। ये क्लियर हो गया। एक और ध्यान दीजिए, ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये इस सर्किल के अंदर है, इसके चारों जो कोने हैं ये सर्किल को टच करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल हो गया, यानी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, ओके। ए और सी आमने सामने का है, यानी हम कहेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह से कोण ये बी है प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, दोनों का टोटल। तो जब ये दोनों बराबर है, बी और डी 180 है, ठीक है, और ये भी हमने देखा कि ए के बराबर सी है, ए के बराबर सी है, यहां देखा ना कोण ए बराबर कोण सी पहले देखा हमने, और यहां पर कोण ए प्लस सी 180, तो कोण ए कितना हो गया 180 का में से ए बराबर कोण 180 में से कोण सी, ओके। और कोण सी जो है वो ए के बराबर ही है, ओपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए सी और ए बराबर है तो कोण ए कितना हो गया 90 डिग्री, आधा हो गया, यानी सभी कोण जो है 90 डिग्री की हो गए इस हिसाब से, ठीक है। ए बी सी डी आल आर ऑफ 90 डिग्री, और क्योंकि पैरेललोग्राम भी है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री है इंटरनल कोण, इसीलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है विशेषता, कि इसका अंदर का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो रेक्टेंगल ये हो गया है, ये हमने सिद्ध कर दिया ए बी सी डी रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है इसीलिए ए सी जो है, देखिए सेंटर ही, सेंटर में से चारों भुजाएं बराबर है, यानी आधी आधी है, यानी ए ओ प्लस ओ सी। अब देखिए ये जो कोण है डी बी कोण है, ये डोबी कोण से जो कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है ए डी बी, ये जो लाइन है इसके ऊपर ये कोण बन रहा है ए, क्या कि ए बी सी डी प्रोग्राम वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ये जो ए कोण है ये बी डी से बनता है, बी डी के ऊपर दो लाइनें आपने खींची, एक इधर खींची एक इधर खींची, तो ए कोण बना, और कोण ए 90 डिग्री है, इसीलिए ये जो है बी डी जो है ये होनी चाहिए डायमीटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि किसी भी सर्किल का डायमीटर जो है, डायमीटर के जो दोनों छोर हैं वहां से अगर कोई भी कोण बनाया जाए तो वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी आधा होगा इसका, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री का आधा होगा 90 डिग्री, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी बी इज ए डायमीटर इसका ऑफ सर्किल का, ये एक डायमीटर है। और इसी तरह से ए सी भी डायमीटर है, जैसे डी बी हुआ ऐसे ही डायमीटर ए सी हुआ, क्यों कि बी डी शुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल और ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ए इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोण ए डी, एंगल जो है डी बी डायमीटर के ऊपर बन रहा है, कोण के ऊपर बन रहा है, इसीलिए ये एक डायमीटर हो गया, तभी 90 डिग्री का बढ़ेगा ये, ठीक है। आप यहां से कहीं भी बना दीजिए 90 डिग्री का बढ़ेगा। देखिए यहां पर ये आंसर दिया हुआ है दो पेज में, मोटे मोटे अक्षरों में आप इसको पोज करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।